संत श्रोमणि रविदास जी की लीला का पूर्व जज मनोज कुमार ने फीता काट कर किया उद्घाटन। आपको बता दें बिजनौर की लोकसभा नगीना क्षेत्र के ग्राम ननेड़ा में बुधवार की रात को संत श्रोमणि रविदास महाराज जी की लीला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश मनोज कुमार मौजूद रहे, जहाँ उन्होंने संत श्रोमणि रविदास जी की लीला का फीता काट कर उद्घाटन किया, जिसके बाद सभी लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व जज मनोज कुमार ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि संत श्रोमणि रविदास महाराज ने बताए हुए दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने कर्म व अधिकारों के लिए समर्पित होकर संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने बताया कि संविधान में जात पात भेदभाव छूत अछूत जैसी व्यवस्था को खत्म करते हुए सबको एक समान जीवन जीने का अधिकार दिया है, क्योंकि शिक्षित होकर हमें अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। संविधान से पहले हमें बोलने बैठने का भी हक नहीं था, यह हक भी हमें संविधान के बाद मिला है, इसलिए संविधान को बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। इस समय संविधान को ख़त्म करने का काम चल रहा है, इस संविधान को हम अपने वोट से बचा सकते हैं, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर संविधान को बचाने का काम करें। जो चारपाई पे बैठे हुए हो, यह अधिकार नहीं था आपको। जिस विचारधारा से हम लोग आए हैं उसमें बहुत संघर्ष हुए हैं, और इंस्पेक्टर साहब ने बताया माता रमाबाई के बारे में, वो भी एक माता थी, उनके हम लोग भी बच्चे हैं, लेकिन उनको कुछ बच्चे नालायक निकले, निकम्मे निकले, जिसकी वजह से यह व्यवस्था फैली है। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, गरीबी होना, गरीब होना और अशिक्षित होना, दोनों में से बड़ा किसको मानते हैं आप? अशिक्षित होना। जवाब तो सही है आपका, तो क्या शिक्षा के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं? करना चाहिए।